राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने सुंदर सी ड्रेस बनाई है। केवल सीधी पट्टी की मदद से बनके रेडी हो गई है। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमने बनाई हुई है। देखिए पहना के दिखाती हूँ कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही आसानी से पहन भी जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है। ये प्योर कॉटन के कपड़े से बनाई हुई है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल, और इसे पहनाना बहुत ईजी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे रोज़ आप हमारे वीडियो से अपडेट रहें। चलिए बनाते हैं इसे। हमने कैसे बनाया है देखिए, हम आगे पीछे से भी कैमरे का एंगल चेंज करके बताते हैं कैसे लग रहे हैं हमारे गोपाल जी इस ड्रेस को पहनकर। बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। देखिए ड्रेस बनाने के लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। देखिए चिकनकारी है, इसमें कढ़ाई है, थोड़ा सा सितारा वर्क है। इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। बहुत कंफर्टेबल रहता है ये कपड़ा, गर्मियों में जितना हो सके तो सूती कपड़े की ही ड्रेस पहनाना चाहिए लड्डू गोपाल को, क्योंकि हम भी वही प्रेफर करते हैं और हमारे लड्डू गोपाल को भी उसी में आराम मिलता है। देखिए इसकी चौड़ाई हमने बताई है 5 इंच है और लंबाई है 40.5 इंच 40.5 इंच। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको उल्टी साइड से इस तरह से 3 साइड से हम इसको सिलाई लगाएंगे, इस साइड से और इस साइड से, ऐसे और यहाँ भी 3 साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमने 3 साइड से सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब आपके पास कोई भी लेस हो जो अवेलेबल हो वो आप लगा लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये येलो कलर की लेस ले ली है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमने लेस लगा ली है इसमें। इसे आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं, डिज़ाइन बना के 2 बार भी लगा सकते हैं, मैं 1 बार ही लगाऊंगी। अब हमें क्या करना है, इस तरह से प्लेट्स बनानी है इस तरह से, और प्लेट्स बनाते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है इस तरह से, एक एक प्लेट बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे बराबर रहे, ऊपर नीचे ना हो कपड़ा, जिससे फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। प्लेट्स हमें बराबर नाप की बनानी है। देखिए ये हमने प्लेट्स बना ली हैं। प्लेट्स बना के घेरा रेडी कर लिया है। अब हमें कमर के लिए पट्टी चाहिए, तो हमने ये पट्टी ले ली है। इसका नाप मैं बता देती हूँ। ये देखिए हमने 3.5 इंच चौड़ी ली है और
करीब 7.5 इंच 7.5 इंच लंबी है। पहले हमें क्या करना है, इस तरह से सीधी साइड नीचे रखेंगे और उल्टी साइड ये ऊपर की साइड, और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे पलटने के लिए, इस साइड भी और इस साइड भी, और हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम डोरी बना लेते हैं सिलाई लगाने के पहले, तो उसके लिए हमने ये दो चौकोर पीस लिए हैं, इसका नाप बता देते हैं। ये हमने लिए हैं 2.25 और 2.25, दो पीस लिए हैं। इस हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और रेडीमेड डोरी ली है हमने। ये देखिए हमने रेडीमेड डोरी ले ली है, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे इस तरह से, और इसको हम पलट देंगे। इस तरह से ऐसे ही हमें दूसरा वाला भी कर लेना है। ये हमारी डोरी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें इस तरह से हम डोरी रखेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए पहले हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, दोनों साइड थोड़ी सी हमें सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करते हुए। देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है, अब हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी हमने बना के रेडी कर ली है, इस तरह से हम इसको रखेंगे और थोड़ा सा फोल्ड किया पहले, फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। डोरी पर सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए डोरी डाल दी है। अब हम थोड़ी सी लेस हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हमने दो वेलक्रो के पीस ले लिए हैं, एक हमें सीधी तरफ से लगाना है और एक उल्टी तरफ से, और हमारी ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। चलिए लगा लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए ड्रेस बनके रेडी हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।